झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कुछ देर बाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिकता सदस्यता और मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे चुके हैं। चंपई सोरेन जिस जाति और रीजन से आते हैं वहां 2019 के चुनाव में बीजेपी अपनी पैठ नहीं बना पाई थी। ऐसे में चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से करीब 14 सीटों पर बीजेपी की मजबूत पकड़ हो सकती है। रांची में चंपई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान समेत हेमंत बिस्व सरमा भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी में शामिल होने से पहले चंपई सोरेन ने आज तक से खास बातचीत की और उसमें कहा कि आज आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री शाह की जमकर तारीफ की। चंपई सोरेन यानी कोल्हान टाइगर नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है, ये कहा है कि कहां पीड़ा रखा जाए इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म जो है उचित प्लेटफॉर्म जेएमएम में अब नहीं बचा था। और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ऐसे शख्स हैं जो आदिवासी के अस्तित्व को बचा सकते हैं और ट्राइबल्स के एग्जिस्टेंस एंटिटी के लिए यही बेस्ट पार्टी है जो स्ट्रगल कर सकता है। खुद भी स्ट्रगल उन्होंने किया है आदिवासी के हक हुकूक के लिए। इस वक्त हमारे साथ है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। चंपई जी, पहला सवाल तो यही कि आज से आपका नया अध्याय शुरू हो रहा है, कई कारण उसके लिए आपने बताया भी है। हमने पहले बड़ा ये स्पष्ट तरीके से पोस्ट करके बता दिया था कि हमारा दर्द पार्टी के अंदर में बहुत ज्यादा अपमान हो गया। आज जिस पार्टी ने हम भी गुरु जी के साथ उस पार्टी गठन में अहम भूमिका हम भी निभाया, जब मेरा साथ जिस तरह से घटनाक्रम होते गया तो हम बोला किस जगह में रखेंगे पार्टी के अंदर में, जो 5 साल से पार्टी में महाधिवेशन बाद में एक बार भी बैठक नहीं हुआ है। हाँ, 5 साल तक कोई पार्टी का बैठक तक कुछ नहीं है। कौन है, क्या भूमिका में है, क्या दायित्व है, किसी को पता नहीं है। ऐसे जगह में हम यार सबसे सीनियर आए, हमसे सीनियर गुरु जी है। गुरु जी का आदर्श को आगे तक हम मानेंगे, उसके साथ संगठन संघर्ष में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है हमको, इसलिए हम उस पार्टी को थोड़ा भी हम आंच नहीं देंगे। हम अकेला निकला, हम पहले तो सोचे थे हम सन्यासी ले लेंगे, लेकिन जनता और कार्यकर्ता उनका जो सोच हमारा पत्ते, तब हमको इस चेंज करना पड़ा। हम बोले चलिए हम फिर से सक्रिय राजनीति करेंगे। कभी सोचा था संगठन बनाएंगे या कोई दल में जाएंगे, लेकिन 8 अगस्त के बाद और 18 तारीख के बीच में हमसे संपर्क आ गया है। पहले किसी से हमारा बात नहीं हुई, उसका बाद हमने सोचा जो झारखंड का जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के दूसरा ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो हम इस बात को रख सकता है, जो यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व संकट में पहुंच गया है। कई गांव मिटते गया संताल परगना में बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन के चलते, बांग्लादेशी घुसपैठी के चलते। इसीलिए हम सोचा ये पार्टी छोड़कर दूसरा पार्टी से हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकता है, इसीलिए हम देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, माननीय गृह मंत्री अमित शाह का पर विश्वास मेरा आ गया और वो विश्वास आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूँ। सर, ये बात तो सही है कि आपको जो है बीजेपी पे विश्वास हो गया है, लेकिन एक बड़ी बात जो सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो कोर वोटर्स हैं, जमीन से जुड़े लोग जो आपको सर आंखों पे बिठाते हैं, उनका भी एतवार क्या बीजेपी पे आया? वो भी क्या बीजेपी के पॉलिसीज से कन्विंस हैं या उसको उनको आप कन्विंस करेंगे? किस तरह का चुनौती रहेगी? इसका बात नहीं, आप देखिएगा आज कितना आदमी आ रहा है। आज जो पार्टी का सदस्य ग्रहण करेंगे दुर्गा मैदान शहीद मैदान में, उस समय दिखिएगा कितना समर्थक हमारा साथ आ रहा है, हम अभी क्या बताएंगे। और जिस सोच के लिए हम
संताल परगना या झारखंड को विकास करने के सोच के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी को हम चुना है। इसीलिए आप जो भी दायित्व हमको देगा वो दायित्व हम निभाएंगे। और किस तरह का चुनौती सर इस पार्टी में देखते हैं? नई पार्टी है, आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में काफी बवाल हुआ, वहां लोग कहने लगे कि हम लोग मेहनत किए हैं, अगर कोई बाहर से आ रहा तो उनको ज्यादा तवज्जो मिल रहा है, इस तरह का स्थिति यहाँ तो नहीं बनेगा? या फिर ये चुनौती के रूप में आप देखते हैं क्या, कोई चैलेंज है ये? काम करने वाले कोई चुनौती से को डरना भी नहीं चाहिए। हम तो संघर्ष करके आए, संघर्ष के बीच में तो बहुत कुछ चुनौती आता है, इसलिए उससे हम और कहीं हम नहीं समझते कि इस तरह का होगा। लेकिन जिस पार्टी में हम जा रहे हैं उस पार्टी का सारा नीति नियम मान के जो हमको काम देंगे वो काम हम पार्टी के हित में, झारखंड के जनता का हित में, झारखंड का विकास और आदिवासी अस्तित्व को बचाने के लिए हम हर समय काम करते रहेंगे। सर ये एक आखिरी सवाल ये है कि ये भी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि एक बड़ा धुरी जेएमएम का एक बड़ा चेहरा अगर इधर शिफ्ट कर रहा है तो किसको नफा नुकसान होगा? जेएमएम को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा, इस तरह के सवाल भी लोग उनके जेहन में है। ऐसा सवाल आते रहता है और हम नहीं समझते कि ये सवाल का जवाब हमको देना चाहिए, ये सब आते रहेगा। मतलब आप अकेले चले, आपको उम्मीद है कि काम? हाँ, हम तो पहले बोला कि हम संगठन से किसी को नहीं लेंगे, हम अकेला निकले हैं, लेकिन जनता का समर्थन के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चंपाई सोरेन जी साफ तौर से इनका कहना है कि अकेले निकले हैं, लेकिन इनको उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि ये कारवां अकेले निकले हैं, कारवां में लोग जुड़ते जाएंगे और कारवां आगे बढ़ता जाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।